हाँ हेलो गाइस, वेलकम टू माय पंकज ब्रो ब्लॉग। तो गाइस फाइनली मैं और सुबह बीगापुर के लिए जा रहा हूँ, तो वहाँ थोड़ा काम है। तो ये यहाँ पे जो कि ये लाइब्रेरी रोड पे है अभी फ़िलहाल, तो यहाँ मैंने देखो यहाँ पे बाग है और इस बाग में देखो बंदर सारे दिख रहे हैं। अबे यार दिख रहे, अभी वो देख आदमी खड़ा हुआ है। तो चलो अब हम शुभम दोनों बाइक से हैं जो कि बीगापुर के लिए जा रहे हैं, तो चलो चलते हैं, चलो स्टार्ट करो। बंदरों की पंचायत लगी है। चलो अब हाईवे मिला। ये कौन सा हाईवे है? ये गंगा एक्सप्रेसवे ना? यही है भाई मेरे। आराम आराम देखे आराम। तो गाइस फाइनली अभी तक हम रास्ते में हैं, जो कि शुभम देखो मुँह पोंछ रहा है क्योंकि रास्ता बहुत ही ख़राब थी। आई थिंक बहुत ये क्योंकि ये हाईवे बन रहा है ना। ये आवाज़ यार कैसी आ रही है शुभम? हैं ये भुन की आवाज़। फाइनली गाइस अब कुछ ही किलोमीटर दूरी पे, कितने किलोमीटर होगा बीगापुर? बहुत हालात बुरी है एकदम, इतनी बुरी रास्ता, इतनी बुरी कुछ कहना ही नहीं, मतलब बहुत रास्ता बिल्कुल बेकार है। अब मालूम बमार धूल वगैरह बहुत लोग नोटिस दे देते हैं। अरे वो तो देख भी गए, जो कि ये सामने बाग है और वहाँ से कितना दूरी है, कितना किलोमीटर है यार? पता नहीं, 10 किलोमीटर है। तो अब 10 कुआं निकलेगा? हाँ लाल कुआं तो निकल गया है, वो 10 किलोमीटर समथिंग होगा। तो बीगापुर आने वाला है, बस 10 किलोमीटर रेंज में है। चलो फिर कहाँ चलिए? अरे पानी आने पिया जाए, अब पानी पी लो, पानी पियो, लगाए पानी, पानी पियो, पानी पियो। अरे वो कोठरी पता नहीं, ये मकान थे हमको लगा, जो कि हाईवे में गए ना। Could hardly walk on my own. I had to lift myself out of the trench. तो गाइस मैंने बिस्किट खोला है, देखो कैसा बिस्किट लगा है, कैसा है। वीडियो तो बनी थी जब बिस्किट खाए। A few moments later. Finally guys, अब मैं घर आ चुका हूँ। तो guys बहुत तेज़ धूप थी, इसी वजह से मैंने वहाँ कुछ वीडियो नहीं बना पाया है, क्योंकि बहुत तेज़ धूप होने के कारण। देख लो अभी भी है, कम से कम इस समय तो जो कि 1 बज रहा है, तो बहुत तेज़ ही धूप है। देखो बहुत चेहरा वेरा पूरा का पूरा लाल हो गया है। लोग आए हैं नहाने, तो आप देख रहे हो एक गंगा जी है इधर साइड में है। मारो मारो डुबकी मारो। तो फाइनली गाइस हम लोग नहा चुके हैं और अभी भी देख रहे हो बाल गीले हैं, तो अभी नहा करके निकले हुए हैं। और जो कि ये हमारा हमारे मामा होटल में, मामा कैसा लगा? बहुत मज़ा आया। अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया कि नहीं? भाई मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया, दिक्कत नहीं।
क्योंकि गाइस आप देख रहे हैं और भीड़ बहुत ही कम है, इसलिए मामा बता मजा नहीं आया भाई, हमें भी बहुत मजा नहीं आया। गाइस आप देख रहे हो दुकान वगैरह कुछ भी नहीं है, सब उसी क्योंकि हम शाम 5 बजे समथिंग आया हूँ, तो यहाँ सब मतलब लगा था सुबह के समय में मेला लगा था, लेकिन इस समय कुछ भी नहीं है, कोई भी दुकान नहीं है, ना प्रसाद वगैरह की दुकान है। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय बाय।